नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में बिजली के मीटर के बारे में। हम सभी लोगों के घरों में मीटर लगा ही होगा, क्योंकि बिजली का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बिजली का मीटर लगाना ही होगा, और महीने के अंत में आपको घर बिजली का बिल पहुंच जाता है। ऐसे में जब आप बिजली का बिल देखते हैं तो आपको लगता है कि इतना बिल कैसे आ रहा है। आपके दिमाग में तब एक बात और आता है कि ये मीटर ज़्यादा तेज चल क्यों रहा है। ऐसे में आपको यह जानना चाहिए कि हम अपने घर के बिजली के मीटर को कैसे धीमा करें, ताकि हमारे घर का बिजली का खर्च कम आ सके। आपको बता दें कि बहुत लोग ऐसे भी हैं जो अपने घर के बिजली के मीटर को अपना दिमाग लगाते हैं ताकि इससे बिजली का बिल कम आए, लेकिन आपको बता दें कि यह पूरी तरह से गैर कानूनी है। इसे आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। इसके इतर आपको इन बातों का ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारे घर में कौन से ऐसे उपकरण हैं जिनका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन वहाँ तक भी बिजली जा रही है। ऐसे में आपको इन सभी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए अपने मीटर के रफ्तार को कम कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम एक एक करके समझते हैं कि हम अपने बिजली के मीटर को कैसे धीमा चलाएं। अगर आपको अपने घर के मीटर को धीमा घुमाना है तो आपको सबसे पहले घर में लगे पुराने उपकरणों को बदलना होगा। जैसे कि घर में लगे पुराने पंखों को बदलना होगा। जैसे कि आपके पुराने पंखे 75 वाट के होते थे, लेकिन अब जो पंखे खरीद कर मार्केट में आए हैं वो है 35 वाट के। तो ऐसे में देख लीजिए कहाँ 75 वाट, कहाँ 35 वाट। ऐसे में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि एक तरफ जहाँ 75 वाट की बिजली लग रही थी तो वहीं दूसरी तरफ 35 वाट की बिजली लग रही है। जिस कमरे में आप बैठे हैं वहाँ से बाहर निकलने के बाद आपको उस कमरे की लाइट और पंखा दोनों बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप पंखा और लाइट दोनों खुला छोड़ देते हैं तो मीटर की रफ्तार बढ़ती रहेगी, और आखिर में आप कहेंगे कि हम तो घर में थे भी नहीं, इसके बावजूद कैसे मीटर इतना आया। ऐसे में आपको जो है कमरे से बाहर निकलते समय इन दोनों बातों का खूब ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप लैपटॉप से काम कर रहे हैं और उसे चार्जर पर लगा रखे हैं, लेकिन आपने लैपटॉप से चार्जर पिन निकाल दिया लेकिन मेन स्विच बंद करना भूल गए हैं, तो ऐसे में आपका मीटर आगे बढ़ता रहेगा। आपको इन बातों का भी ध्यान देना है कि लैपटॉप चार्ज हो जाए तो आपको मेन स्विच को भी बंद कर दें, ताकि मीटर की रफ्तार जो है वो धीमी रहे। हमने आपको पहले ही बताया है कि आपको अपने घर के पुराने बल्ब को भी बदलने की ज़रूरत है। जैसे कि पहले लाल बल्ब 100 वाट का आता था, बहुत बिजली की खपत होती थी उससे, अब आपको इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। जैसे कि आपको अब लाल बल्ब की जगह पर एलईडी लाइट लगाने की ज़रूरत है, जिससे कि बिजली की खपत जो है वो कम हो सके। जहाँ 100 वाट का खर्च हो रहा था वहाँ पर आप 10 वाट 18 वाट तक में जो है आप अच्छी बिजली यानी कि अच्छी रोशनी जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके घर में फ्रिज है तो आप उसे कम तापमान में करके रखें, क्योंकि इसमें ज़्यादा बिजली खपत हो सकती है। ऐसे में मीटर की रफ्तार भी बढ़ सकती है। तो ऐसे में अगर आपके घर में फ्रिज है, क्योंकि फ्रिज जो है हर समय चलना होता है, गर्मी के दिनों में तो कमोबेश यही स्थिति होती है। ऐसे में अपने फ्रिज की जो वो कंडीशन है उसको थोड़ा सा जो है आप एकदम से लो में ना रखें, थोड़ा सा ऊपर रखें। आपके घर में अगर टीवी, कंप्यूटर या फिर होम थिएटर है तो, और आप कार समाप्त होने के बाद भी इन मशीनों को चला रहे हैं, तो ऐसे में आपके घर में जो है बिजली की खपत बढ़ सकती है और मीटर की रफ्तार जो है वो भी बढ़ सकती है। आप अपने वाशिंग मशीन से भी बिजली के बिल बचा सकते हैं। दरअसल यह है, वाशिंग मशीन से आप जो है कपड़े वाश करें, यानी कि सिर्फ जो है आप उसमें कपड़े धोएं, ना कि सुखाएं। सुखाने के लिए आप धूप का इस्तेमाल करें। जितना समय आपका कपड़े सुखाने में वाशिंग मशीन लेगा, उससे जो है बिजली भी आप बचा सकते हैं और आप कपड़े को धूप में डाल सकते हैं। बता दें कि अगर आप गर्मी में एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप एसी को न्यूनतम तापमान पर सेट ना करें। साथ ही एसी वाले कमरे को पूरी तरह से पैक करके रखें, ताकि ठंडी हवा बाहर न निकल सके और आपको लंबे समय तक एसी चलाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि लंबे समय तक एसी चलाएंगे तो बिजली का बिल जो है वो बढ़ेगा, मीटर तेज़ी से आगे भागेगा। इसलिए तेज़ी से अगर मीटर को नहीं भगाना चाहते हैं तो एसी को एक बार चालू करें, रूम को पूरी तरह से लॉक करें, ठंडा हो जाने के बाद आप उसमें आराम से रहें। और सबसे आखिरी में आपको इन बातों का ध्यान देने की ज़रूरत है कि सेटअप बॉक्स, टीवी, माइक्रोवेव, गीजर आदि के प्लग को निकाल कर रखें, नहीं तो स्विच बंद होने के बाद भी प्लग में लगे न्यूट्रल वायर के जरिए बिजली की खपत होती रहती है। तो ऐसे में आपको इन बातों का खूब ध्यान देना है। घर में बिजली बचाने का एक और तरीका है
कि आपको अपने घर में लगे उपकरणों को ध्यान देने की जरूरत है, जिससे कि उपयोग होने के बाद आपको लंबे समय तक स्विच को पिन के साथ लगा कर न रखने दें। इससे बिजली का बिल बढ़ता है। और हाँ, एक बात और, अगर आप बिजली कम करने के लिए आपको मीटर के साथ कोई छेड़छाड़ करते हैं तो आप जो है गैरकानूनी कार्य कर रहे हैं। ऐसे में आपको ऊपर बिजली की चोरी का जो है आरोप लग सकता है। गैरकानूनी तरीके से आप बिजली चोरी ना करें, खास करके मीटर में किसी तरह की कोई छेड़छाड़ ना करें। आप अपने उपकरणों को सही तरीके से रखें, उस पर आप नज़र अपनी रखें। इससे भी जो है बिजली बिल कम आएगा, आपकी मीटर जो है वो धीमे धीमे चलेगी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।